बच्चों, आज हम कक्षा 8 इतिहास के पाठ 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपके मन में कई तरह के प्रश्न उठते होंगे। जैसे, हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? हमें इसकी क्या आवश्यकता है? जो बीत गया उसे पढ़ने से क्या लाभ होगा? तो बच्चों, आज मैं आपको बताता हूं कि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं। इतिहास वर्तमान और भूतकाल को समझने में सहायता करता है। इतिहास मानव और समस्त मानव जाति के द्वारा की गई उन्नति का विवरण जानने के लिए एक मील पत्थर का काम करता है। समाज के उज्जवल भविष्य के लिए हमें अतीत का जानना बहुत जरूरी है। अतीत के ज्ञान से हमें ना केवल अपनी बहुमूल्य विरासत के बारे में जानकारी मिलती है, अपितु उन कुप्रथाओं के बारे में भी ज्ञान होता है जो हमारे राष्ट्र के विकास में बाधा रही हैं। बच्चों, अब मैं आपको इतिहास के कुछ उदाहरणों के बारे में बताना चाहूँगा जिनसे आने वाली पीढ़ियों ने सीख ली। जैसे, अशोक की कलिंग की लड़ाई से हमने सीखा कि युद्ध केवल विनाश लाता है। महात्मा बुद्ध के जीवन से हमने सीखा कि संसार दुखों का घर है। सच्ची मानवता ईश्वरीय भक्ति है। अकबर ने दिल्ली सुल्तानों की असफलताओं से यह सीखा कि राजपूत राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना अति आवश्यक है। दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु अस्त्रों के द्वारा हुए विनाश को देखकर अब कोई भी राष्ट्र उन परमाणु अस्त्रों को प्रयोग करने की कल्पना भी नहीं करता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्य के अनुभवों की कहानी है। तो बच्चों, आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने ग्रामीण इलाकों पर राज किया, कंपनी राजस्व कैसे इकट्ठा करती थी और किसान किस तरह करों को देते थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1764 में बक्सर की लड़ाई मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। कंपनी के जीत जाने के बाद इसे बंगाल का दीवान बना दिया गया। बच्चों, आप इस तस्वीर को ध्यान से देखें। शाह आलम रॉबर्ट क्लाइव को एक दस्तावेज दे रहे हैं। यह एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें उनको यानी कंपनी को बंगाल की दीवानी दे दी गई, अर्थात कंपनी
आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई। दीवानी मिलने के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी राजस्व या आमदनी संसाधनों को व्यवस्थित करना। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए आमदनी जुटाई जा सके। राजस्व का अर्थ है वह धन जो सरकार करों अर्थात टैक्सेस के रूप में जनता से लेती है। बाहरी ताकत होने के कारण सब कार्य बड़ी सावधानी से करने की जरूरत थी, क्योंकि कंपनी को उन लोगों को भी नियंत्रित करना था जो स्थानीय लोग पहले शासन चला चुके थे। कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को किस प्रकार उपनिवेश बनाया तथा अपनी मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई ताकि कंपनी को आर्थिक तौर पर लाभ हो सके, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले कंपनी सामान खरीदने के लिए ब्रिटेन से सोना चांदी आयात करती थी। दीवानी मिलने के पश्चात कंपनी ने अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारी कर लगाए, जिसका नतीजा यह हुआ कि बंगाल के लोग अपनी मूलभूत जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। खेतों में काम करने वाले लोग और हाथ के काम के कारीगर सब गांव छोड़कर चले गए, क्योंकि वह कर नहीं चुका पा रहे थे। उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को बेचनी पड़ती थी। 5 सालों में ही बंगाल की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में पड़ गई। इसके पश्चात 1770 में पड़े अकाल से बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। इस अकाल के कारण लगभग 1/3 आबादी खत्म हो गई। खेती में सुधार। संकटपूर्ण अर्थव्यवस्था में कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में कैसे सोच सकती थी? इस स्थिति से उभरने के लिए कंपनी के अफसरों ने खेती में सुधार लाने के बारे में सोचा। 20 वर्ष के लंबे समय की बहस के पश्चात कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया। 1786 से 1793 तक चार्ल्स कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल थे। स्थायी बंदोबस्त के तहत स्थानीय राजाओं तथा तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। दूसरे शब्दों में कहें तो जमीन का मालिकाना हक जमींदारों के हाथ सौंपा गया। जमींदार किसानों से कर वसूल कर राजस्व कंपनी को देंगे और उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी होगी, अर्थात कर की राशि को कम या ज्यादा नहीं किया जाएगा, चाहे मुनाफा कम हो या ज्यादा। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें
नियमित तौर पर राजस्व मिलता रहेगा और जमींदार को जमीन में सुधार के लिए धन मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। मैं आपको एक साधारण से उदाहरण के साथ समझाता हूँ। मान लो जमींदार हर किसान की ओर से 100 रुपये टैक्स कंपनी को देता है। अब किसी किसान का मुनाफा 300 रुपये है तो कंपनी को 100 रुपये देने के बाद जमींदार के पास 200 रुपये बचे। इन 200 रुपये को जमींदार खेती सुधार में प्रयोग कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंपनी की विचारधारा के अनुसार सुधार नहीं हुए और स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्याएं पैदा कर दी। आइए इसकी चर्चा करते हैं। स्थायी बंदोबस्त की समस्याएं। कंपनी को यह बात जल्दी ही समझ में आने लगी कि जमींदार कृषि में सुधार के इच्छुक नहीं हैं। वो इच्छुक क्यों नहीं थे? असल में कंपनी द्वारा तय राजस्व इतना ज्यादा था कि उसे चुकाने में जमींदारों को परेशानी हो रही थी, और जो जमींदार राजस्व नहीं चुका पाते उनकी जमीनें नीलाम कर दी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे खेती का विस्तार हुआ, कीमतें बढ़ी, इससे जमींदार की आय बढ़ी, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। जमींदार को बिना कुछ किए मुनाफा आ रहा था, इसलिए वह किसी तरह के सुधार के इच्छुक नहीं थे। इस व्यवस्था की एक और त्रुटि थी, वह थी किसानों की स्थिति। किसानों की हालत बहुत ही दयनीय थी, क्योंकि उन्हें कर अधिक देना पड़ता था और जमीन पर उनका अधिकार भी सुरक्षित नहीं था। लगान देने के लिए महाजन से कर्ज लेना पड़ता था। कर्जा या लगान ना चुकाने पर उसे जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। यह व्यवस्था बहुत ही अत्याचारी थी, इसे बंद कर दिया गया और एक नई व्यवस्था की शुरुआत की गई। नई व्यवस्था को महल बारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। महल बारी बंदोबस्त 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाई गई। उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए तैयार की गई। खेतों को मापा गया। हर खेत के राजस्व को गांव के राजस्व में मिलाया गया। राजस्व का समय समय पर संशोधन किया गया। गांव का मुखिया राजस्व इकट्ठा करेगा। गांव को महल कहा गया। कंपनी को शासन तथा व्यापार चलाने के लिए पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए स्थायी राजस्व में बदलाव लाना ही था, इसलिए महल बारी व्यवस्था को लागू किया गया। हॉल्ट मैकेंजी मानते थे कि
भारतीयों के लिए गांव एक सामाजिक संस्था है, इसलिए एक ऐसी व्यवस्था विकसित करेंगे जिसमें एक व्यक्ति की नहीं पूरे गांव की इकट्ठी हिस्सेदारी होगी। जैसे स्थायी बंदोबस्त में हर किसान अलग से अपना अपना लगान देता था, लेकिन इस व्यवस्था में ऐसा नहीं था। इस व्यवस्था के तहत सबसे एक जैसा लगान नहीं लिया जाएगा। खेतों को मापा गया, जिसके पास थोड़ी जमीन होगी वह थोड़ा लगान देगा और ज्यादा जमीन वाला ज्यादा लगान देगा। हर खेत के राजस्व को इकट्ठा कर गांव का इकट्ठा राजस्व कंपनी को दिया जाता था। राजस्व की दर को समय समय पर संशोधित किया जाता था। स्थायी लगान नहीं था। स्थायी बंदोबस्त की तरह जमींदार राजस्व इकट्ठा नहीं करते थे, बल्कि गांव के मुखिया को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि दोनों ही व्यवस्थाओं में लगान बहुत ही ज्यादा था, जिसे दे पाना कठिन था। अभी हमने उत्तर भारत में महलवारी व्यवस्था की चर्चा की। इसी तरह ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया। इस नई व्यवस्था को रैयतवारी व्यवस्था कहा गया। इसे मुनरो व्यवस्था भी कहा गया। रैयतवारी बंदोबस्त 1820 में मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो ने शुरू किया। खेतों को मापा गया, राजस्व का समय समय पर संशोधन किया गया, राजस्व ब्रिटिश द्वारा इकट्ठा किया गया, किसान ही मालिक थे। इस व्यवस्था के पीछे एक छोटी सी कहानी है। असलियत में इस व्यवस्था को कैप्टन रीड ने शुरू किया था, कब्जे में किए इलाकों में शासन चलाने के लिए। टीपू सुल्तान के साथ युद्ध के बाद कंपनी द्वारा कब्जे में लिए इलाकों पर इस व्यवस्था को आजमाकर भी देख लिया गया था। उसी व्यवस्था को आधार बनाकर थॉमस मुनरो, जो मद्रास के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इस व्यवस्था को स्थापित किया। जैसे उत्तर भारत में राजस्व इकट्ठा करने की जिम्मेवारी जमींदार की थी, दक्षिण भारत में कोई पारंपरिक जमींदार नहीं थे। ऐसा रीड और मुनरो को लगता था, इसलिए सीधा रैयतों से ही बंदोबस्त कराना चाहिए, जो पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं। इस व्यवस्था में एक चीज महल बारी व्यवस्था जैसी ही थी, अर्थात खेतों को मापना। खेत के क्षेत्र के हिसाब से ही लगान दिया जाता था। इसी राजस्व का संशोधन भी समय समय पर किया जाता था। रैयतवारी व्यवस्था में ब्रिटिश स्वयं राजस्व इकट्ठा करते थे, क्योंकि जमींदार नहीं थे, किसान ही खेतों के मालिक थे। रैयतवारी व्यवस्था में भी कर बहुत अधिक था।
किसान इन करों को दे नहीं पाते थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि वह जीविका के लिए दूसरी जगह पलायन कर गए, जिससे ग्रामीण इलाके खाली हो गए। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पिताजी भी किसान हैं, लेकिन खेती से इतनी आमदनी नहीं हो पाती कि घर का खर्च आसानी से चल सके, तो वह खेती के साथ साथ पास ही किसी शहर में नौकरी भी कर लेते हैं। आपके पिता के पास तो नौकरी का विकल्प है, लेकिन उस समय उन किसानों के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए नई जगह जाना पड़ा। बच्चों, इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा, आइए एक बार दोहराते हैं। जैसे कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में राज करने के लिए राजस्व इकट्ठा करने की नई व्यवस्थाएं और नियम बनाए। पहला था भूमि का स्थायी बंदोबस्त, दूसरा महलबारी और तीसरा रैयतबारी था। हमने यह भी चर्चा की कि शासन को करने में शासकों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बच्चों, आशा है कि आपको यह पाठ समझ आ गया होगा और आपको इतिहास के बारे में नई जानकारी मिली होगी।